नहीं होगी, हमारे इधर सर फाड़ने के काम आएंगे। मतलब सर फाड़ के आप कहाँ जाएंगे? जेल जाऊंगा। जेल ही जाएंगे आप, सही बात। इतना इतना मैंने आज कायम किया है, लेकिन आप ये इन्होंने आराम किए यहाँ लेट के। मैंने बेटू कपड़े तय करने आपको नहीं आते, अरेंज करने आपको नहीं आते, बस कर। वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिन से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी। एक्चुअली हम लोग के चचा का इंतकाल हो गया था, इसकी वजह से थोड़े से अपसेट थे हम लोग, बहुत थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही थे, तो बस इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खुद से, तो इसलिए आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। कबर्ड के साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ मंगवाई थी कि शूज़ रैक, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ मेरा एक छोटा सा शू रैक होता था, लेकिन मैंने इसको इसी जगह के लिए मंगवाया था, लेकिन ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इस तरफ आ रहा है, तो वो बहुत बुरा लगा था, इसलिए हमने इसको यहाँ अरेंज कर दिया। तो एक शू रैक हमने मंगवाया जिसका भी हमने अरेंज नहीं किया, अभी इसको अरेंज करेंगे, साथ साथ वीडियो बनाएंगे। देखिए इसकी ये सारे शेल्फ्स एक ही जगह पड़े हुए, तो इसको भी आज अरेंज करेंगे, लाजिए कबर्ड को अरेंज करेंगे। तो आपने पूरे ब्लॉग में हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ऊपर का हमने डेकोरेट कर लिया लेकिन अभी तक इसको अरेंज नहीं किया। तो ये हमें पैटर्न हमने फेसबुक से निकाल के अरेंज, मतलब फेसबुक से निकाला था और फिर हमने ये कबर्ड हम लोगों ने इसकी बनवाई है खुद से। तो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये 3 डोर है, बहुत अच्छी मुझे ये कबर्ड लगी। कुछ सेक्शन इसके यहाँ पर हैं और ये 2 है यहाँ पे कपड़े हैंग करने के लिए, ये हम लोग निकाल देंगे। ठीक है बेटू, हाँ, हाँ ये निकाल ही दें, बहुत एहतियात से इसे निकालें। अपनी तरफ खींचे, इसे अपनी तरफ खींचे बोले, हाँ ये ना इसके कपड़े हैंग करने में आसानी होगी, वरना वो कपड़े इसके ना थोड़े से तंग ये सही है। जब कभी लड़ाई होगी हमारी तरह सर फाड़ने के काम आएंगे। मतलब सर फाड़ के आप कहाँ जाएंगे? जेल जाऊंगा। जेल ही जाएंगे आप, सही बात है। डिस्कस कर रही थी कि हम लोग उनको घर पे बुला लेंगे, जो मतलब जिन्होंने कबर्ड अरेंज मतलब बनाई है, डिजाइन की, हाँ पेंटिंग जिसने की है, अगर वो लोग वो लड़का भेज देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो इसकी ये स्टडी टेबल है ना, इसको भी हम ऐसा ही मतलब स्पेस शिप जो हमने ये बनवाए हुए इस पर, वो भी इस पर ही हम लोग अरेंज करवा देते हैं। इसके ऊपर भी इसकी जो पेंटिंग है, पेंटिंग्स हैं, हाँ ये मैंने क्या है ना कि देख, ये तो एक आउल बना हुआ है। हाँ जी ये एक आउल बना हुआ है और ये तो पेंटिंग शायद मैंने आपके साथ ही ली थी, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। हाँ जी शीप्स बने हुए हैं इस पे बहुत ज्यादा, और ये वैसे बचपन में बाबा ब्लैक शीप सुनता भी बहुत था, तो चले फिर अभी ये भी इसके लिए छोटा शीप लेंगे, इसको बचपन से ही ना इसको ये जानवर इसको बड़े पसंद है। ये देखिए ये भी शीप है, इसके छोटे छोटे बेबीज है, मैंने कहीं देखे हैं, चले वो भी सब अरेंज करेंगे। और ये बॉक्स भी हमें खाली करना है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लाइजा का रूम कवर में ये कवर में हाँ अरेंज हो जाएंगे, तो फिर बस चले फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कबर्ड का हाल देख सकते हैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि वो कबर्ड भी छोटी पड़ जाएगी क्योंकि इसके कपड़े इतने, कुछ इसके कपड़े कुछ मैंने यहाँ पे अभी सब कुछ निकाल के रख दिया क्योंकि अपनी कबर्ड्स भी अरेंज करेंगे। बेटो सारी कबर्ड्स में से सब कपड़े निकाल देना एक ही दफ़ा, मैं सारी अरेंज करके रख दूंगी। अच्छा। इनको भी अब एक तरफ मैं आपके कपड़ों को हैंग कर दूंगी, एक तरफ मैं अपने कपड़ों को हैंग कर दूंगी। तो अभी देख लें आप लोग, काफ़ी हद तक इसकी कबर्ड अरेंज हो चुकी है और अभी यहाँ मुझे इसके कुछ गर्म कपड़े हैं वो मुझे रखने, ताकि गर्म कपड़े भी ना इसी में ही आ जाए, फिर अलग से मुझे वो एक बैग तैयार करना पड़ता था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक अभी थोड़े सेक्शन खाली भी हैं, 2 अभी तकरीबन खाली हैं। अगर ये मैं ट्राउज़र ऊपर रख दूँ तो ये तो अभी फिलहाल का, अब इसके स्वेटर वगैरह रह गए, वो स्वेटर वगैरह मैं यहीं रखती हूँ ताकि फिर बाद में उनको शॉपर में पैक कर दूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ जाएंगी तो आते आते टाइम लग जाता है सर्दियों को, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा काम बाकी। अब हमारी कबर्ड भी कितनी अरेंज हो रही है, आपने वो नहीं दिखाई और मैंने आपका मैंने सेक्शन बदला कर दिया। अच्छा इसमें देखें, इसमें अब मैं रखूँगी इसके सॉक्स वगैरह, ये एक सॉक्स रख दी, ये इसकी दादों ने बनाया था जब ये छोटा सा था, जब ये न्यू बॉर्न था, जब ना इतना सा इसकी दादों ने सॉक्स बना के दिए थे, इसी का स्वेटर भी है। तो
अब यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिए हस्बैंड के मेरे कपड़े, तो टाई ले जाओ यहाँ से मेरे कपड़े से गिनती की 4-5 सलवार कमीज है और पैंटे 5-6 पैंट और यहाँ पर मेरा मेडल है जो मुझे मिला था, टी-शर्ट्स भी है यहाँ, वो टी-शर्ट में ही रख दी, ये रखी मेरी टी-शर्ट अभी अल्लाह इसमें भी इलाइजा के कपड़े हैं, इसमें नीचे भी है, वो देखे टी-शर्ट भी है, शर्टे भी है, स्वेटर भी है, कुछ ज्यादा ही काम। देखिए बहुत सारे कपड़े अभी समेटने वाले, वो कुछ हमारे भी गर्म कपड़े इलाइजा के भी, और अभी ये अभी बहुत कुछ अरेंज अभी करना है बाकी है, कितना कितना मैंने आज कायम किया है, लेकिन आप ये इन्होंने आराम किए यहाँ लेट के, मैंने मिट्टू कपड़े तय करने आपको नहीं आते, अरेंज करने आपको नहीं आते, बस कर दे, आपने क्या किया है, ये वाला ड्रेस इतना मैंने हैंग किया, ये वाला ये आपने हैंग किया और दुपट्टा इसके ऊपर डाल दिया डिजाइनर फायर की तरह, नहीं फायर के आउटलेट में जाती है ना वो दुपट्टा इसी तरह हैंग करते हैं, अंदर नहीं छुपाते, कोई नहीं ये क्या बेतुकी से इतना वो दुपट्टे अटक अटक के आ जाते हैं सामने, बस अभी थोड़ा सा काम रह गया बस ये करके बस वाइंड अप, जल्दी मैं थक गई हूँ यार, बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे क्लोज, अब ये सब मैं अरेंज करूँगी, थोड़ा सा अरेंज करूँगी, सारा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा साइड पे रख दूँगी, और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे खाना भी रेडी करना है तो फिर मिलेंगे।